खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। कठोरडिया छोटा में गोपाल गौशाला में वृक्षारोपण किया गया। गौशाला क्षेत्र में नीम, करण, शीशम सहित लगभग 8 प्रजातियों के 100 से अधिक पेड़ लगाए गए। वहीं गोपाल गौशाला समिति द्वारा कर्ण वन सेवा संस्था कानवन को भी इस पुनित कार्य में आमंत्रित किया गया। संस्था के नंद किशोर प्रजापत, गोविंद पवार, कपिल पांचाल, राकेश सोलंकी ने बताया कि गो भक्ति और पौधारोपण बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज गौ माता के आशीर्वाद से गौशाला में पौधे रोपित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गोपाल गौशाला कठोरडिया छोटा के अध्यक्ष मोहन सिंह व सेवानिवृत्त रेंजर बापू सिंह यादव के निमंत्रण पर गौशाला परिसर में पहुंचने का हमारी टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नीमकरण, शीशम सहित 8 प्रजातियों के 100 पौधे रोपण किया गया है। साथ ही हमारी संस्था द्वारा गोपाल गौशाला में छायादार फलदार अति उत्तम किस्म के 50 पौधे गौशाला समिति को समर्पित किए गए हैं व प्रशस्ति पत्र भेंट किया। श्री प्रजापत ने बताया कि जब भी गौशाला समिति हित में पौधारोपण करने में हमारी गोपाल गौशाला को जरूरत होने पर हम यहां सेवा देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने, इसके साथ ही हमारा सौभाग्य होगा कि हम पुनः ये सेवा दें। इस पुनित अवसर पर टीम दशरथ सिंह डोडिया, सोहन सिंह पवार, अर्जुन सिंह डोडिया, गणेश गोहिल, गोवर्धन सिंह, बहरू सिंह डोडिया, कालू सिंह, भगवान सिंह, राजेंद्र सिंह आदि युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कानवन से विशाल राव निकम की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।